लाहौर के उस पहले जिले के। पीयूष जी से बातचीत शुरू करें, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आप सभी के लिए, जो खास करके पीछे बैठे हैं मेरे भाई दोस्त देवियों और भाइयों सारे के सारे। तो हुआ क्या था कि आज से 6 साल पहले कभी पीयूष जी के पास मैं एक फिल्म लेके गए कि सर आप फिल्म में काम कर दो हमारे। तो पीयूष जी ने स्क्रिप्ट देखी ऊपर से नीचे तक और कहा कि यार क्या रोल है क्या है ऐसे वैसे इधर उधर की बहुत सारी बातें की हमें, खूब टहलाया, 3-4 सिगरेट पी गए उतनी देर में। फिर हमें लगा कि करेंगे नहीं, मेरी एक और सहेली थी वो साथ में गई थी। फिर उन्होंने पूछा कि यार पैसा कितना दोगे इस फिल्म का, और मैंने कहा सर, हम लोगों ने कहा सर बजट कम है। तो पीयूष जी ने कहा यार बॉम्बे में कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं जो कहता बहुत बजट है और लिखो बैठ के, सब कहते कम ही है। तो मैंने कहा सर बजट कम नहीं है, बजट है ही नहीं। तो हुआ क्या कि इसके बाद पीयूष जी ने ऊपर से नीचे तक स्क्रिप्ट देखी और कहा कि भाई 11 रुपये और एक दिन की दारू, इतना तुम लोग कर दोगे? तो खैर 11 रुपये तो सर पे उधार है, दारू वाला हो चुका है, नहीं मिला सर दारू, मुझे आज तक नहीं मिली। ये साले आपके 11 रुपये देके जो खुश हो गए, दारू मुझे आज तक नहीं मिली। तो सर मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ, एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे जैसे तमाम लोग, मतलब उसमें बड़े बड़े लिरिक्स राइटर जैसे पुनीत शर्मा हमारा दोस्त है जिसने संजू के गाने लिखे थे, ऐसे तमाम लोग एक मुलाकात पीयूष जी से करते हैं और वो एक मुलाकात उनको मुंबई में टिके रहने की ताकत महीनों सालों देती रहती है। ये और मेरे साथ चैलेंज ये है और मैं नर्वस इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि पीयूष जी ने ये घोषणा कर दी है कि उनको जो कुछ बताना था अपने बारे में वो सब कुछ वो बता चुके हैं। हाँ यार बता चुके हैं, सच में बता चुके हैं, पूरी जिंदगी खुल चुका, एक बार नहीं 5 बार खुल चुका और लोगों के सामने भी। तो अभी जो है मेरे पास में कुछ है नहीं बताने के लिए, तुम जबरदस्ती आपकी जिद करते हो, इतनी भीड़ में आ जाते हो, मुझे वाकई 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 मेरे पास कुछ भी नहीं है जिंदगी बताने के लिए। हो गया यार, हो गया पीयूष मिश्रा, हो गया। मतलब आपके पिछले वाले इंटरव्यू में ये जो अपना था इसके साथ, क्या नाम था, नीलेश के साथ, नीलेश मिश्रा के साथ में, तो मैंने सब कुछ बोल दिया, मतलब अपनी हर चीज बतला दी। तो सर मैं इसीलिए इस इंटरव्यू को ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे जो पीछे वो नीले स्वेटर में लड़का खड़ा है, हाँ, जो गलती से आपके साथ फ्लाइट में पड़ जाए, इधर कोई एक महिला जो है जिन्होंने लाल स्वेटर पहना हुआ है, अगर वो गलती से कभी आपके साथ फ्लाइट में पड़ जाए, उनको वो आपसे जो जो सवाल पूछेंगी मैं वैसे ही पूछूंगा, क्योंकि जश्न-ए-रेख्ता में आके थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि आपको बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल पूछने हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हल्के फुल्के बचकाने सवाल, बचकानी बातें करूं और गलतियां भी करूं उस प्रोसेस में बहुत सारी। तो सर सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। हेलो हेलो, अरे मत आन देना उसको, मैं तो आ रहा हूँ। हाँ भाई हुकुम करो। सर इस गाने की एक और धुन थी जो पब्लिक में नहीं आई, वो सुना दीजिए, एक बगल में चांद होगा जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। वो बहुत पहले थी जो है, मैंने अनुराग को पसंद नहीं आई थी वो, उसके बाद फिर मैंने उसको ऐसे किया था कंपोज जैसे आपको सुनने में आया, ओरिजिनल थी। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लूरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी, हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। हम तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, गम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी, होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे, हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। और
ये सबसे पहले पहले थी इसको अनुराग कश्यप को अक्सर उसको तो, उसको पसंद नहीं आती थी। हाँ कई जगह बड़ा भैकट आदमी है वो तो ये मुझे पहले से मालूम था कि ये उसको पसंद नहीं आएगी तो मैंने जो है आपकी दूसरी धुन यार कितनी बार चेंज करोगे मेरी जान इसको तो मैंने चेंज कर दी। हाँ भाई तो सर ये ऐसा क्यों बोला जाता है कि जैसे जो कलाकार लोग होते हैं उनको प्यार बार बार हो या ना हो गुदगुदी बार बार होती रहती है। किसको हुई गुदगुदी यार? सर ये मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और वो आपको जब देखते हैं तो उनकी जो एंग्जाइटी है जो उनकी बेचैनी है जो उनके सपने हैं वो कहीं ना कहीं आपके गाने हैं। जैसे यहाँ पे पीछे कोई ना कोई लड़का ऐसा ज़रूर होगा जिसने बहुत रुमानी होकर किसी लड़की को सुनाया होगा कि उजला ही उजला शहर होगा कभी हम तुम गनाएंगे घर। तो ऐसे लोग तो सर यार पंगा ये है तुम लोग तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कितनी बार बोलूँगा कि तुम्हारी जनरेशन प्यार करना भूल गई एक्चुअली। तुम लोगों को प्यार करना नहीं आता। नहीं नहीं मैं नो ऑफेंस मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हारी जनरेशन में होते हैं मैं कितनी बहुत बार बोल चुका हूँ पहले ब्रेकअप्स होते हैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा दिल नहीं टूटता। हाँ तुम्हारा दिल नहीं टूटता और उसमें पंगा क्या है कि ब्रेकअप्स होते हैं और ब्रेकअप्स में आपके वो ब्रेकअप्स में उसका भी एक तरीका ढूंढ लिया तुम लोगों ने बहुत बार बोल चुका हूँ रिबाउंड है ना। अब उस प्यार में क्या मतलब मजा जिसमें दिल नहीं टूटा मतलब हमारे टाइम में एक ये भी बहुत बार बोल चुका हूँ हमारे टाइम में एक बहुत बड़ी इमेज हुआ करती थी मोहल्ले में पिटाऊ आशिक और वो बड़ी मूर्धन्य इमेज थी मतलब बड़ी ज़बरदस्त इमेज थी कि एक आदमी गंदे कंधे पर झूला लिए हुए दाढ़ी बढ़ाए हुए अभी जो है आपके मतलब वो चोटी पर चढ़ के मुकेश के गाने गाना शुरू कर देगा ऐसी कोई चीज़ थी और उसको देखकर सब कहा करते थे कि बहुत उसका दिल टूटा है ये बहुत ही ख़तरनाक आदमी है ये पिटाऊ आशिक है। तुम्हारे यहाँ पिटाऊ आशिक होने की गुंजाइश ही नहीं यहाँ ब्रेकअप हुआ और वहाँ रिबाउंड हुआ साला तो बीच में गुंजाइश ही चली गई। खत चलेगा यार तुम खत इतनी खूबसूरत चीज़ थी खत चलेगा यार तुम्हारी खत पता नहीं कहाँ चलेगा तुम लोग लिखते हो कभी प्रेम पत्र तुम लिख अरे क्या बात कर रहे हो वो ऐसे ही बंदे लिखते होंगे जो थोड़ा जो है आपके 80s 90s के जनरेशन के होंगे। खत लिखना भूल गए यार तुम लोग खत लिखना भूल गए खत की अहमियत क्या होती है खत बहुत बड़ी चीज़ होती है और खून के खत अरे यार हम लिखा करते थे खून के खत मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी यार बहुत बड़ी चीज़ थी खून के खत हाँ तो कसाई के यहाँ से बैठ जाया करते थे कि मास तू ले ले खून खून हमें दे दे हमों का हाँ करा कगार देते हाँ अब वो माशूक के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो DNA टेस्ट करवाए कि भेड़ का खून है कि तो वो था बड़ा ज़बरदस्त था वो बड़ा ज़बरदस्त और वो इतनी 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 मेहनत लगती थी एक खत लिखने में उतनी मेहनत तुम लोग क्या करोगे यार तुम लोग आपके आई लव यू लव में भी आपके LV लगा देते हो तुम तो वहाँ जो है आपके मतलब अभी तुम लोगों ने वो चीज़ सीखी नहीं है अभी एक्चुअली तो आपके उस पर थोड़ा मेहनत करो यार उस पर थोड़ा मेहनत करो बिना उसके जो ज़िंदगी नहीं आएगी कुछ इश्क किया कुछ काम किया देखो ना ज़िंदगी में जो है आपके मतलब वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे ये फैज़ साहब कह गए हैं वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे हम जीते जी मसरूफ रहे कुछ इश्क किया कुछ काम वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे हम जीते जी मसरूफ रहे कुछ इश्क किया कुछ काम किया। अच्छा कभी इश्क में काम बिगड़ता रहा कभी काम इश्क के आड़े कभी काम इश्क के आड़े आता रहा कभी इश्क में काम बिगड़ता रहा आखिर में तंग आकर हमने दोनों का अधूरा छोड़ दिया। ये फैज़ साहब ने कहा था मुझे बड़ी अच्छी लगी थी नज़्म बड़ी अच्छी लगती है मुझे तो उसमें आपके मतलब तीन चार अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है सुनाओ के सर बल्कि कोई वो खून वाला खाते आ दो सर वो सुना दीजिए। हाँ मतलब वो काम भला का काम हुआ जिस काम का भोजा सर पे हो वो काम भला का काम हुआ जिस काम का भोजा सर पे हो और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे वो काम भला का काम हुआ जिस काम का भोजा सर पे हो और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो और वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो जब वो काम भला का काम हुआ जिसमें न जान रगड़ती हो हल्का काम क्यों करें
वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती है, और वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रोज आए, वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रोज आए, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। अब नॉनवेज तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें आपके मस्खरी आने लगी। वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का, वो काम भला का काम हुआ जो मजा नहीं दे विस्की का, और इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना मौका सिस्की का। और ये बड़ा गंभीर शेर है, देखो उसको बहुत ध्यान से सुनना, कि वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, वो काम भला का काम हुआ जिसकी ना शक्ल इबादत हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसकी दरकार इजाजत हो। हम पूछ कर भी क्यों इश्क करें, जिसकी दरकार इजाजत हो। मैं तुमसे इश्क करता हूं ये मेरा मामला है, तुम करो ना करो ऐसे से कराओ, ये पंगा ही खत्म है, पंगा ही खत्म है। वो काम भला का काम हुआ, देखो एक और चीज है, वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठगले वे, वो काम भला का काम हुआ जो कहे घूम और ठगले वे, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो कहे चूम और भगले वे। और काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो, वो काम भला का काम हुआ कि मजदूरी का धोखा हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजबूरी का मौका हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की, वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ठसक सिकंदर की, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना ठरक हो अंदर की। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ढेर पसीना हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना ढेर पसीना हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो ना भीगा ना झीना हो। और काम भला का काम हुआ जिसमें ना लहू महकता हो, गालिब कहते हैं ना, वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना लहू महकता हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो एक चुम्बन में थकता हो। वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने, वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो वियतनाम का शाप बने। और वाम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए, वो काम भला का काम हुआ जो बिन लादेन को भा जाए, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो चबा मुशर्रफ खा जाए। और काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे होता हो, पहले अंडरवर्ल्ड था बंबई में, वो काम भला का काम हुआ जो दुबई फोन पे हो जाए, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो मुंबई आके खो जाए, एक्चुअली होता है वहां। वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, वो काम भला का काम हुआ जिसमें चीखों की आशा हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मजहब रंग और भाषा हो। और काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो, वो काम भला का काम हुआ जो ना अंदर की ख्वाहिश हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो पब्लिक की फरमाइश हो। वो तुम्हारा ही शेर है, देखो, वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, मैसेज कर दिया आई लव यू, वो काम भला का काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। तो यही है अपना सर, इससे याद आया मेरे को कि एक वो काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो, वो काम भला का काम हुआ जो ना साला आनंद से हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो नहीं विवेकानंद से, और काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो, वो काम भला का काम हुआ जो चंद्रशेख आजाद ना हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो, और इश्क भला का इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। वो काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर, वो काम भला का काम हुआ परफॉर्मेंस अपने बाप का घर, वो इश्क भला का इश्क हुआ कि मॉडल बोले मैं एक्टर।
और इसका आखिरी शेर सुनाता हूँ मैं कि जो आपके एक बहुत बड़ा एक्टर था रॉबर्ट डिनीरो, आपको मालूम होगा बॉब, उसको बॉब डिनीरो कहा करते थे। तो कुछ लोग होते हैं वहाँ पर अंग्रेजी थिएटर के पर्टिकुलरली जो तीन प्लेस करने के बाद में एक्टिंग सिखाने लगते हैं, मतलब करते नहीं हैं, है ना, और होते हैं बिल्कुल ही अनुराग कश्यप टाइप से। नहीं नहीं वो नहीं, वो तो बहुत, अरे वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो काम भला का काम हुआ, हर एक बॉब डिनीरो हो, साले बॉब डिनीरो बन जाते हैं, वो काम भला का काम हुआ, हर एक बॉब डिनीरो हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ कि निपट दिया हीरो हो। तो इसके बाद एक बहुत प्यारे ये नज़्म है, कविता है, गाना है, ये हर घड़ी में हर सदी हर बार होता है, ये कभी सुनाया नहीं है पीयूष जी आपने इधर, मैंने कभी आज तक। तो ये आप लोग बहुत लकी हैं कि ये सुन रहे हैं ये जो अगला है, और ये प्यार के बारे में ही है, और सर बताएंगे ज़्यादा उसके बारे में कि क्यों लिखा था, क्या लिखा था। ये प्यार तो होता है, ला दे ये देखो, बहुत बड़ी बात है आपके प्यार जो होता है ना, ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, जो हर घड़ी में और हर सदी में, जो हर घड़ी और हर सदी सौ बार होता है। ये प्यार तो होता, इसमें एक लफ्ज़ आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा, पेट पे नहीं रखी बर्फ़ जिसके लिए, मतलब जिसके पेट में भूख लगती है उसके पेट पे बर्फ़ रखी जाती है। ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज़ मेरे दोस्तों, कि हर घड़ी में और हर बदी में, कि हर घड़ी और हर सदी सौ बार होता है। आबादी के साए में बिखरे सैकड़ों इंसान की हर भूख को और प्यास को, हर भूख प्यासों को कुचल सौ बार होता है। पर मायने हैं इसके ये जान सा है ना कोई, ये पेट की आंतों से भी बढ़कर चला जाता कहीं। पर मायने हैं इसके क्या ये जानता है ना कोई, ये पेट की आंतों से भी बढ़कर चला जाता यहीं। कुछ लोग बोलने जहर है, कुछ लोग बोलने कहर है, कुछ लोग बोलने ये नशा है, पर सिर्फ उनके लिए के पेट पे जिनके नहीं रखी बर्फ उनके लिए। कुछ लोग बोलें ये सिर्फ हैवान की करतूत है, ये चंद अल्फाजों की मर्जी है, गलत है झूठ है, पर फिर भी हो जाता है इसका क्या करें यार हम, पर फिर भी हो जाता है इसका क्या करें यार हम, अगर ये है धोखा तो भी ये हर बार होता है। प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, कि हर घड़ी में और हर सदी में, के हर घड़ी और हर सदी हर बार होता है। ये क्यों हो रहा है जो ना होना था हमारे दौर में, ये क्यों हो रहा है जो ना होना था हमारे दौर में, सहमे सहमे से हैं बच्चे डरी डरी सी है माँ, सहमे सहमे से हैं बच्चे डरी डरी सी है माँ, बाप निकला है क्योंकि घर से वो देखो हमारे दौर में, ये क्यों हो रहा है जो ना हो ना था हमारे दौर में, ये क्यों हो रहा है जो ना हो ना था हमारे दौर में, लड़ना तो भूख से था गरीबी से था, लड़ना तो भूख से था गरीबी से था, फिर क्यों आदमी लड़ा आदमी से हमारे दौर में, फिर क्यों आदमी लड़ा आदमी से हमारे दौर में, सहमे सहमे से हैं बच्चे डरी डरी सी है माँ, बाप निकला है क्योंकि घर से वो देखो हमारे दौर में, ये क्यों हो रहा है न जा हो ना था हमारे दौर में, ये क्यों हो रहा है जो ना हो ना था हमारे दौर में। मन इतना ही है यार, भूल गया। सर इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं जो एक्टिंग के बारे में, जो एनएसडी क्या करता है आदमी के साथ, वो प्रोसेस क्या है, मतलब बहुत सारे लोग जाके बॉम्बे में स्ट्रगल जब शुरू करते हैं उस उम्मीद में आ जाते हैं कि कोई किसी दिन देख लेगा। मैं उस पर सर
बहुत लोगों को जवाब नहीं मिलता वहाँ पे, तो मैं जब क्या है कि एनएसडी की फैक्ट्री नहीं है, पहली बात तो ये है एनएसडी में, इसका मतलब नहीं कि आपने रॉ मटेरियल डाला और उसमें से आपके मतलब एक आध एक्टर बन के निकलेगा। एनएसडी के बारे में बहुत बड़ी खाम खाली है, एनएसडी से हर 4-5 साल में एक एक्टर निकलता है ना। जब से मैं आया हूँ एनएसडी में, 83 में आया था मैं, 83 से लेकर हर 4-5 साल में एक एक्टर निकलता है जो रिमार्केबल एक्टर होता है, जो नाम कमाता है, है ना। और अगर सिनेमा को उसका पर्याय मान लें, मापदंड मान लें, तो सिनेमा में तो वाकई 5 साल में एक एक्टर निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे कि हुस्ना सुना होगा आप लोगों ने, हुस्ना मेरा गाना है, हुस्ना हो गया सरदार भगत सिंह पर मेरे लेक्चर सुने होंगे, मेरे बहुत पसंद है सरदार भगत सिंह। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कभी हुस्ना से मिले थे क्या, तुम कभी सरदार भगत सिंह से मिले थे क्या। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि यार एक चीज़ होती है इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट से तेज कोई चीज़ भाग सकती है तो वो खाली आदमी का थॉट भाग सकता है। लाइट से तेज अगर कोई चीज़ भाग सकती है तो खाली आदमी का थॉट भाग सकता है। आप यहाँ पर रहकर बोलते हैं कि मैं रशिया में हूँ और आप उस वक्त रशिया में होते हैं, ये आपका थॉट है, ये आपका थॉट है, ये आपका इमेजिनेशन है। आप देखते हैं एकदम से वहाँ पर होते हैं। तो एक्टिंग को लेकर जितने लोग उत्सुक हैं जाने के लिए, मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ कि इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन, इमेजिन करना सीखो। हम लोग सिर्फ देखते हैं, हम इमेजिन नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं सामने वाली चीज़ को। हुस्ना को इमेजिन करने की ज़रूरत है, हुस्ना को आंखों से निकालने की ज़रूरत है, हुस्ना की पिक्चर सोचने की ज़रूरत नहीं हुस्ना के बारे में, हुस्ना की पिक्चर आंखों से निकालने की ज़रूरत है। हुस्ना का लाहौर, मैं लाहौर नहीं गया आज तक, लाहौर देखा नहीं मैंने आज तक, मेरी माँ लाहौर की थी, लेकिन मेरा अपना लाहौर मेरी आंखों के सामने जिंदा है। लाहौर मैंने देखा, वो हुस्ना मैंने देखी, हुस्ना का घर देखा, हुस्ना का वो पेड़ देखा जहाँ पर वो बैठी इंतजार करती थी, है ना। हुस्ना हर चीज़ देखी, धीमे धीमे करके वो चीज़ आपके नज़दीक आने लगती है। सरदार भगत सिंह के बारे में मुझे पूछते कि तुम मिले थे क्या उनसे, मैं कहता हूँ मैं आज तक मिल नहीं सकता यार, बहुत पहले की बात है, 1931 में डेथ हो गई थी उनकी। तो मैंने 1921 का लाहौर देखा, लाहौर नेशनल कॉलेज में कैसे रैगिंग होती होगी, सुखदेव ने कैसे रैगिंग ली होगी सरदार भगत सिंह की, कैसे ली होगी, क्या लैंग्वेज होगी उस वक्त, मंगल पांडे के बाप का नाम बदला, उस वक्त ही रैगिंग होती होगी। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बदला, ऐसी रैगिंग होती होगी। ऐसे करके उसकी लैंग्वेज मिल गई मुझे। मैंने सरदार भगत सिंह को ग्वालियर में देखा, मैंने मांडरे की देवी करके एक जगह है वहां पर उनको गाने गाते हुए देखा, सोचा नहीं, देखा, देखकर उनको पूरा दिमाग से निकाल दिया, फिल्म निकाल दी उनकी। करते 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 मैं उनके इतने नजदीक पहुंच गया कि मैं उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी, मैं उनसे बातें करने लगा, मैं हाथ छू के मुझे छू लिया करता था मैं उनको, और मैं बाकायदा दोस्त के तौर पर भगत सिंह साहब आप बताओ कैसे हो, आज क्या डंडे बड़े पिताजी की नहीं, ऐसी बातें करने लगा, इनफॉर्मल बातें। उससे उस वक्त की लैंग्वेज मिली, कैसे बातें करते होंगे यार, दोस्त होंगे तो बातें तो करते होंगे, सरदार का बच्चा होगा तो गाली जरूर देता होगा, दारू और गाली पर तो पहला हक बनता है सरदार के बेटे का, दारू इतिहास में जिक्र नहीं है कि कभी उन्होंने पी, गाली देते होंगे लेकिन मेरा क्योंकि मैंने देते सुना नहीं उनको, इसलिए जो है आपके मतलब साले तक मैंने लिखा, साले तो जरूरी है, साले तक मैंने लिखा कि यार क्या लैंग्वेज होगी उस वक्त, अदब कायदा बहुत होगा, अपने बाप से कैसे बातें करते होंगे, तय बात है। वो करते करते ऐसे ही जो है आपके मतलब सेंट्रल जेल में चला गया मैं, वहाँ पर देखा इन लोगों को पिटते हुए, वहाँ पर देखा इन लोगों को हर चीज़ करते हुए जिस चीज़ के लिए ने इतनी ज़बरदस्त सज़ा मिली। तो करते करते आपके एक्टिंग करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीके दूसरे बतलाए तो बोलना कि तू हमारा वो खींच रहा है जो भी होता है, सच में और एक्टिंग करने का कोई तरीका नहीं। एक्टिंग करने का एक ही तरीका है कि आप इमेजिन करो और करते करते उस मंजर को बिल्कुल आंखों के सामने ले आओ, इतने पास ले आओ कि वो आपको मूर्त रूप में दिखाई देने लगे, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद जाकर छोड़ दो अपने आप, एक्टिंग हो जाएगी। अगर लाइन से रटोगे, अगर जो है सोच बहुत खतरनाक चीज़ है एक्टर के लिए, सोचना नहीं, विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज कर लो, उसके बाद हर चीज़ आसानी से हो जाती है, इतनी आसानी से कि आप सोच नहीं सकते कि ये भी हो सकता है क्या। तो दिस वॉज एक्टिंग, ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सर जैसे एक्टिंग है वैसे ही बहुत सारे लोगों का सवाल राइटिंग को लेके भी होता है कि जैसे, हालांकि मैं जानता हूँ कि उसका कोई डेफिनेट जवाब नहीं है, लेकिन जैसे आपने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में कुछ किताबें पढ़ी हों, जैसे मुझे चांद चाहिए मुझे याद है एक बार कभी आपने बताया था, या कुछ ऐसी 2-4 किताबें या कुछ ऐसी बात जो कहीं कुछ तैयार कर दे ऐसा। एक्टिंग राइटिंग में यार या तो होती है या नहीं होती है, एक्टिंग होती या नहीं होती है। आप किसी को बोलो कि तुम गाना गा सकते हो, अगर वो गाना नहीं गा सकता तो बोल लेके मैं गाना नहीं गा सकता, आई कांट सिंग। सर्टन सम पर्सन कांट डांस, सम पर्सन कांट प्ले हारमोनियम, सम पर्सन कांट ड्रॉ। एक्टर को बोलो कि तू एक्टर नहीं है तो बुरा मन जाएगा, मैं एक्टिंग कैसे नहीं कर सकता,
जब जॉन अब्राहम एक्टिंग कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? साफ बोलेगा वो, अरे नवाजुद्दीन एक्टिंग कर रहा है यार, बताओ 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 नवाजुद्दीन, नवाज जैसी शक्ल का, अरे बाबा नवाज में कुछ एक्सपेक्टर होगा, नवाज में कुछ एक्सपेक्टर होगा जो तुम्हें नहीं है, तुम इस बात को कबूल क्यों नहीं करते? और इस आस में जो है बम्बई, अभी दिव्या बतलाकर गई मुंबई में, बॉस बम्बई में मैं गया था एक साल के लिए स्ट्रगल करने के लिए 89 से 90 तक, वहाँ तब से लेकर अब तक मैं अभी गया दोबारा, अभी तक जो है मेरे टाइम के लोग जिंदा हैं, आंखों की झाइयाँ आ गई हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अभी तक ये विश्वास है उनको कि अभी मुझे एक रोल मिलेगा और आई कैन प्रूव इट लाइक शाहरुख खान। अभी तक बॉम्बे माया जाल है, बॉम्बे इज ए किलिंग फील्ड, बॉम्बे इज ए किलिंग फील्ड। जब तक आप ये समझते हैं तब तक आपकी जिंदगी बीत चुकी होती है, तब तक आपकी जिंदगी बीत जाती है। तब आपको, आप एक्टिंग गए करने के लिए गए, आपके एक साल रहता है पैशन, दो साल रहता है पैशन, तीन साल रहता है पैशन। नसीर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि अगर एक्टर हो तो काम मिलेगा, नसीर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि एक्टर हो तो काम मिलेगा, मैं उसे एक्सटेंड करता हूँ, एक्टर हो तो काम मिलेगा पर जब तक मिलेगा काम तब तक एक्टर बने रह सकोगे क्या? अगर आज से 15 साल बाद मिलता है काम तब तक एक्टर जितने फ्रेश बने रह सकोगे क्या? 3 साल के बाद में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि यार इश्क हो गया, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, किचन भी चलाना है, आपकी गैस भी देनी है, मकान का किराया भी देना है, ये सब करते करते आपके सारे सपने फिर हवा हो जाते हैं, फिर आपको आपके मतलब पैसा चाहिए होता है, उसके लिए फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कुछ लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो अनुराग कश्यप बनते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि मैं वही करूँगा जो करना चाहता हूँ। उसके स्ट्रगल मैंने देखा है, उसका स्ट्रगल मैंने देखा है, उसको मतलब इतनी गंदी हालत में एक इंसिडेंट था कि जो है आपके एक फिल्म बहुत बढ़िया ब्लैक फ्राइडे, यार डाल लेता हूँ मैं, ब्लैक फ्राइडे बन रही थी है ना, उस वक्त जो है आपके वो कास्ट करना चाहना था के मेनन को, के मेनन स्टार नहीं था उसकी, 5 में काम किया था उसने, वो बाहर निकल कर नहीं आई। उतनी खराब हालत में भी प्रोड्यूसर ने, मेरे सामने बात हुई थी, प्रोड्यूसर ने उसके कहा कि यार ये रोल के लिए आपके स्टार को ले लो, इस रोल के लिए स्टार को ले लो। उसने कहा मैं पिक्चर बंद कर दूंगा सर, मैं ये रोल के लिए के मैन को लूंगा, मैं पिक्चर बंद कर दूंगा। उस वक्त जब उसके पास में खाने के पैसे नहीं थे, उस वक्त उसने कहा था कि मैं पिक्चर बंद कर दूंगा लेकिन इस रोल में के मैन को ही लूंगा। तो ये नॉन कॉम्प्रोमाइज रिवॉर्ड थोड़ा देर से मिलता है, मुझे मालूम है रिवॉर्ड देर से मिलता है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, रिवॉर्ड थोड़ी देर से मिलता है। और ऐसा कोई नहीं है हम में से जो आज बन गया हो और जो ये टाइम बिता कर नहीं आया हो। मैं टाइम अपना दिल्ली बिता कर गया था 20 साल दिल्ली में, नवाज ने 15 साल वहाँ बिताया, इरफान ने और भी टफ बताया, इरफान बेचारा टेलीविजन करता रहा जिसमें कि एक्टर फूक जाता है और फिर भी फ्रेश बना रहा, मनोज वाजपेयी ने, सब ने। तो अगर एक्टर हो तो काम मिलेगा पर जब तक काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रह सकोगे क्या, ये सवाल है। तो सर कुछ सुन लिया जाए, मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए। अरे कुछ नया सुनवा रहा हूँ मैं, आएगा हुस्ना भी आएगा, आप सुनिए ये। क्या करें कि मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए। अरे नहीं यार बेकार गाना। अरे सर बहुत अच्छा गाना है, अरे उनको डिसाइड करने दो सर आप। हुस्ना बाद में, हाँ हुस्ना बाद में, फिर वो आखिरी हो जाएगा। आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों को झुंझार, जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों के झुंझवाज, जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड भोल मस्तकों के झुंझवा, जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड मन करे, क्या है
हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि यार का वो घाव, तुम ये सोच लो या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो, जिस कवि की कल्पना में जिन नहीं नहीं मौत वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो मौत अंत है नहीं मान में हाड़ दो आरंभ है प्रचंड। ये बुरा जिस गाने के लिए ये मैं तो ये वाला बोल रहा हूँ सर, अगर बिना डांटे आप सुना पाए ये देखो बहुत बड़े गाना था ये सर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत कम लोगों ने सुना, सभी ने होगा, लेकिन एक बार रिपीट बोलूं तो पानी चाहिए बूंदे बेमानी चाहिए हिंसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए बूंदे बेमानी चाहिए हिंसा समंदर अपना खोल दो, एक जीनी जीनी बानी चाहिए एक लोरी इंसानी चाहिए हिंसा समंदर अपना खोल दो, एक झीनी झीनी बानी चाहिए एक लोरी इंसानी चाहिए हिंसा समंदर अपना खोल दो, कुछ ईंटों की नादानी चाहिए एक भोली सी बेईमानी चाहिए, कुछ ईंटों की नादानी चाहिए एक भोली बेईमानी चाहिए हिंसा समंदर अपना खोल दो, भीगे लफ्जों के मानी चाहिए कुछ बूंदे दीवानी चाहिए हिंसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए बूंदे बेमानी चाहिए हिंसा समंदर अपना खोल दो, हिंसा समंदर अपना खोल दो, हिंसा समंदर अपना खोल दो। कभी नर्वस होते हैं आप? कभी नर्वस होते हैं आप? यार नर्वस ही हूँ और क्या, मतलब इतना बार क्राउड है मेरे सामने तो आपके सबको खुश करना था। इनको तुमको खुश करने के लिए बहुत दम लगानी पड़ती है, तुमको मालूम है? हाँ मतलब यहाँ से जाता हूँ तो थक के जाता हूँ, मैं थक के चूर जाता हूँ, मतलब आपके मतलब ये सेल्फी की सवाल नहीं है, तुम लोगों से तो इंटरेक्ट करना भी जो है बहुत बड़ी बहुत, हर पल हंसाना तुमको हर पल एंगेज रखे रखना ये छोटा मोटा काम नहीं, तो इसमें इतनी दम लगती है अंदर के आंतरिक बल लगता है साला, मतलब हाँ मतलब ज़रा सा ख़राब बोलूँगा धीमे बोलूँगा बिना इंटेंशन में बोलूँगा तो बोर हो जाओगे तो तुम गाली दोगे, फिर वो मेरे को सहन नहीं है, तो वो तुम्हारी शक्ल खुदा कसम यार नौजवानों तुम्हारी शक्ल देके जीता हूँ, खुदा कसम मैं लिखता भी नौजवानों के लिए हूँ, जितने भी जवान लुंदे बंदे हैं बच्चे नहीं कह सकते तुमको, क्योंकि बच्चा जो है आपके 19 के बाद में बचपना ख़त्म हो जाता है, इसके बाद में जब प्रेम पत्र एक्सचेंज करने की हालत में आ जाओ आप तो इसका मतलब होगा कि आप जवान हो गए तो फिर उनसे वैसी वाली बातें करनी पड़ती हैं, इनके पास जाके आप ये नहीं बोल सकते हम अपने ज़माने में ये करके आए थे, हमारे ज़माने में वो हुआ था, इनके बीच में बैठ के इनकी जैसी बातें करना, मतलब आजकल क्या हो रहा है आज की बातें करना, तब कहीं जाकर जो है लोगों को चैन मिलता है कि हाँ यार ये हमारा, इनसे पूछना कि आजकल कौन सी गालियाँ चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कसवर्ड्स बहुत 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 कुछ सिखाते हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं जो माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन वाकई जो कसवर्ड्स बहुत भयंकर सिखाते हैं, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता ढंग से, अदरवाइज जो है कुछ एक हाँ तो वो एक्सप्रेशन जो है आपके मतलब एक्सप्रेशन ही कुछ और होता है साला, एक्सप्रेशन ही कुछ और होता है कसवर्ड्स में जो है, और विशेषकर हिंदुस्तानी ईडियट्स वगैरह में क्या कुछ बात ही नहीं होती, ईडियट्स क्या होता है साला, एक जरा हल्की सी बात बोल दो थप्पड़ पड़ा चलो तेरी, वो एक बार था मतलब आपके वो हम पिक्चर कहीं किसी उसमें पिक्चर देखने गए थे, पीछे झगड़ा होने लगा दो बंदों में आपस में, और अंग्रेज बंदे थे मतलब यहाँ मॉडर्न स्कूल के हैं ब्लडी इडियट और साला ये और वो, मैंने कुछ नहीं होगा बैठ जा ना बैठ जा, मतलब तमाशे की अपेक्षा मत कर, कुछ नहीं होगा बैठ जा, तो बोला एकदम से पीछे आवाज़ आई चाटा पड़ा मिला के, कसवर्ड्स में बहुत बड़ी बात होती,
तो सर ये मेरे को ऐसा पता चला है कि आप बिना बताए चुपके से बहुत दोस्तों को उधार दे देते हैं, बताते नहीं हैं। मैं बार बार इसलिए जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं अभी अभी पहला प्रेम पत्र मैंने दिया, मैं 18 साल का हुआ हूँ और मेरे ये सब सवाल है और मैं फ्लाइट में आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं अब और कुछ कर नहीं सकता, आप उठ के जा नहीं सकते। क्या करता हूँ मैं कि सर मैं इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कभी जैसे जो उधार दिए हैं, कभी लौटे नहीं लौटे बिना बताए दोस्तों की जो मदद की है, वो जो दौर था, कुछ आपको याद रह गया हो, कोई ग्वालियर शहर की कोई ऐसी बात या कोई किसी ने ऐसे मदद कर दी हो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, बिल्कुल यार आज आखिरी दिन हो दुनिया का ऐसा कुछ? एक्सपेक्ट नहीं यार, मैंने तो खूब एक्सपेक्ट किया था। मैंने मेरे स्ट्रगल के दौर में इन लोगों ने मुझे बहुत संभाला था, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत संभाला था मेरे स्ट्रगल के दौर में। बहुत मेरा स्ट्रगल कुछ हुआ ही नहीं है, स्ट्रगल मतलब पता नहीं किस बात का स्ट्रगल था, साला रोटी के लाले पड़े थे, मुझे चिकन खिलाया इन लोगों ने, है ना, ठर्रे के पैसे नहीं थे, साली मेलकम मकडोल विस्की पिलाई मुझे, सच में बस के पैसे नहीं थे, मुझे ऑटो में चलने के लिए मजबूर किया, उन्होंने खाली थिएटर करते रहो। और मैंने और 20 साल मैंने अंधो समान थिएटर किए यहाँ से 83 से लेकर 2003 तक 20 साल अंधो समान, जैसे कहते हैं ना कि सुबह थिएटर करता था 6 बजे जाया करता था, उसके बाद में खाली बीच का खाना और जो है आपके मतलब शाम के चाय वगैरह, ये इसका स्कोप था, अदरवाइज रात को 9 बजे तक 20 साल तक ये कंटिन्यू करता रहा, 20 साल तक करता रहा। इसमें नहीं ताली वाली बात नहीं है, एक्चुअली उसने उस काम नहीं संभाला मुझे वहाँ पर, बॉम्बे जाकर मेरा पीछे काम चल रहा था मेरा, लोगों ने कहा कि आपको इतना जल्दी ब्रेक कैसे मिल गया, ब्रेक मुझे मिला 46 की उम्र में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला एक्टर हूँगा मैं जैसे 46 की उम्र ब्रेक मिला, गुलाल जो है गुलाल गॉट रिलीज व्हेन आई वाज 46 के बाद में ब्रेक मिला। और ये जो पिछला जो काम देख रहे हो मेरा, जो पिंक है या हैप्पी भाग जाएगी या मकबूल और ये सब गैंग्स ऑफ वसीपुर वगैरह, ये सब जो पिछले 10 साल का परिणाम। तो अभी दिव्या बोल रही थी मेरे को, तो मैं जब बोल रही थी 20 पिक्चरों में 22 नाम लिया था उसने, 22 मैं काउंट कर रहा था अपनी पिक्चरें, चला यार नहीं मैं तो 8, 10, 11 इसमें काम किया मैंने, तो मुझसे बड़ी स्टार है वो एक्चुअली। तो ये उस वक्त लोगों ने बहुत मदद करी। आज जो है जब मेरे पास पैसे आ गए, जब मैं इतना संपन्न हो गया कि मैं अपनी पत्नी को संभाल सकूँ, अपने बच्चों को संभाल सकूँ, आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे आसपास जितनी मेरी श्रद्धा, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मेरे आसपास जो है मतलब कोई ये नहीं बोले कि बॉस आज मुझे पैसों की वजह से, पैसे रीज़न बन गए मैं काम नहीं कर पाया, मैं ऑडिशन देने जा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खाना नहीं खा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ऑटो नहीं पकड़ पाया क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये जो है बॉस व्रतकार में ये रिवॉर्ड होता है, ये मिलता है आपको जिंदगी में, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके विवेकानंद ने कहा था, कर्मयोग कहता है कि एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। अगर आप एक बार किया गया कर्म, वो अच्छा हो या बुरा, वो आपको रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। मैं जब यहाँ से गया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, फटे हाल मैं बिल्कुल आपके मतलब गरीबी हालत में शिफ्ट हुआ था। मैं 20 साल काम करके गया था और वहाँ जाने के साथ एक बंदा मिला सामने, अनुराग कश्यप। मैंने कहा कि तू जानता है? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ आपको, आप पीयूष भाई हो। मैंने कहा तू अनुराग कश्यप का नाम सुना है? गले मिल गए। मैंने कहा चल क्या करते हैं? चल साला दारू पीते हैं, है ना, हाँ दारू पीते हैं और काम करते हैं, दारू पीते और काम करते हैं। मैं जानता नहीं था उसको, उसने मेरा काम देखा हुआ था, तो वो हंसराज कॉलेज में थे ये लोग, ये और इम्तियाज अली वगैरह, इम्तियाज वॉज अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप, तो उस वक्त ये लोग देखने आया करते थे। तो काम देखा था, चलो शराब पीते हैं और काम करते हैं। काम करते करते एकदम एक दिन ये हुआ कि गुलाल का म्यूजिक मालूम है कैसे हुआ था? गुलाल, अरे बोल तो मालूम है कि नहीं? हाँ नहीं ऐसे अब मुझे मालूम पड़ा ना, हैं हाँ। तो वहाँ गुलाल का म्यूजिक ऐसे हुआ था कि वो वहाँ पर जो स्ट्रगलिंग म्यूजिक कंपोजर होते हैं ना, वो एक तबले के साथ में, तबले और हारमोनियम के साथ में अलग अलग डोर पर डोर टू डोर जाते रहते हैं। तो ऐसे दो बंदे आ गए थे, तो आ गए थे, मैं अपने पी के बैठा हुआ था वहाँ पर और अनुराग कश्यप भी बैठा हुआ था वहाँ पर, और मैरियट के सामने इसका ऑफिस था। तो उन्होंने सुनाई, उन्होंने कहा, अनुराग ने कहा कि यार मैं ये अब मेरी पिक्चर में ये काम गाने नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी आप आए तो सुना दो। तो उसने एक गाना सुनाया, तू मेरा मैं तेरी, ऐसा ऐसा कुछ गाना था। उन्होंने कहा अच्छी बात है, दूसरा सुना दो। उन्होंने कहा हाँ सुना दिया। उस तीसरा सुना, ठीक है बढ़िया बात है, अब आप पैक करो और जाओ, है ना। तो बेचारे निराश होकर जाने लगे। मैंने कहा बात सुन भाई, मेरे को एक ज़रा एक सेकेंड हारमोनियम खींचा उसका और मैंने गाना सुनाया इसको, यारा मौला। उन्होंने कहा यार गाना तो गा रहा, तो इंटरेस्टिंग है यार, सुनाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। यारा मौला, हाँ यादों में है अभी,
क्या सुरीला वो जहां था, हमारे हाथों में रंगीन गुब्बारे थे और दिल में महकता समा था। वो किताबों की थी दुनिया, वो तो ख्वाबों की थी दुनिया, साथ में थे मचलते हुए जलजले आंख में वो सुहाना नशा था। ये आज के जवान की पीड़ा है कि वो जमीन थी आसमां था हमको, लेकिन क्या पता था हम खड़े थे जहां पर उसी के किनारे पे गहरा सा अंधा कुआं था। यारा मौला, फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर, फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर, बोले फेंको ये किताबें और संभालो ये सलाखें, ये जो गहरा सा कुआं है हाँ अंधा तो नहीं है, इस कुएं में है खजाना, कल की दुनिया तो यही है, कूद जाओ लेके खंजर, काट डालो जो हो अंदर, तुम ही कल के हो सिपाही, तुम ही कल के हो सिकंदर। नौजवान बोलता है, हमने वही किया जो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश ही थी, हमने वही किया जो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश ही थी, हम नहीं जानते ये भी क्यों ये किया, क्योंकि उनकी फरमाइश ही थी, हम नहीं जानते ये भी क्यों ये किया, क्योंकि उनकी फरमाइश ही थी, अब हमारे लगा जायका खून का, अब बताओ करे तो करे क्या, अब हमारे लगा जायका खून का, अब बताओ करे तो करे क्या, नहीं है कोई जो हमें कुछ बताए, बताओ करे तो करे क्या। ये त्रास दी आज की। तो सर थिएटर और प्ले की बात हुई, एक प्ले है आपका वो अब भी पुकारता है, गगन दमामा बाजियो सबको पता होगा, तो वो अब भी पुकारता है, कब हो रहा है, कब देख सकते हैं, कब आ रहा है? हम लोग सर इसलिए भी ये सवाल कर रहे हैं कि ताकि आप पे प्रेशर भी रहे ना, जल्दी जल्दी आए ये ऐसा। नहीं नहीं आएगा वो अभी, एक्चुअली अभी तो मेरा प्ले चल रहा है गगन दमामा बाजियो, ये बहुत दिल से लिखा हुआ प्ले है, 25 साल पहले लिखा था मैंने, ये सरदार भगत सिंह बहुत ही क्लोज है मेरे, आप सबके मेरे ख्याल से हर नौजवान के दिल में बसते होंगे सरदार भगत सिंह, तो उन पर प्ले लेकिन म्यूजिकल प्ले है वो, लगातार लगातार शो चल रहे हैं उसके, तो आजकल उसमें और अपने बैंड में मैं लगा हुआ हूँ, आजकल सिनेमा का काम बहुत कम हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा, तो अगला जो है प्ले मेरा इसमें आ रहा है आपके राजकमल प्रकाशन से, तो वो जब होगा तो होगा, जब होगा तो होगा, जब होगा तो होगा। सर ये हाँ लोरी सुना दीजिए सर, ये सोजा सोजा भोले मनवा, बड़ी बड़ी सर, बहुत बहुत सुंदर लोरी है, और इसके हेडिंग पे लिखा है मच अडू अबाउट नौटंकी। सोजा सोजा भोले मनवा, चांद से संदेशा आया, रात भोली बनके आई, साथ में दुआएं लाई। सोजा सोजा भोले मनवा, चांद से संदेशा आया, रात भोली बनके आई, साथ में दुआएं लाई। सोजा के जगत में नींद आजकल तो कम मिलती है, सोजा के जगत में नींदें आजकल तो कम मिलती हैं, होठ की दबी मुस्कानें आजकल तो कम खिलती हैं, अरे सबको भूले सोजा रे मन, सबको भूले सोजा रे मन, सोजा 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 भूले मन हुआ, आंसुओं को भूले सोजा, साथ में सवेरा लेके सपनों में तू भूले सोजा, सोजा सोजा भूले मनवा। क्या सुनोगे बोलो, ओ
غالب کے مومن کے خوابوں کی دنیا مجازوں کے ان انقلابوں کی دنیا غالب کے مومن کے خوابوں کی دنیا مجازوں کے ان انقلابوں کی دنیا فیض فراقوں و ساحر و مخدوم میر کی ذوق کی داغوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے بولتے ہیں دیکھو 26/11 اٹیک ہوا تھا پلچن میں باتیں چلی جاتی ہیں پلچن میں راتیں چلی جاتی ہیں پلچن میں باتیں چلی جاتی ہیں پلچن میں راتیں چلی جاتی ہیں کہ رہ جاتا ہے جو سویرا وہ ڈھونڈے جلتے مقام میں بسیرا وہ ڈھونڈے جیسی بچی ہے ویسی کی ویسی بچا لو یہ دنیا اپنا سمجھ کے اپنوں کے جیسی اٹھا لو یہ دنیا کہ چھٹ پٹ سی باتوں میں جلنے لگے گی سنبھالو یہ دنیا کٹ پٹ کے راتوں میں پلنے لگے گی سنبھالو یہ دنیا اور دنیا اور دنیا اور بعد میں کیا بات ہے وہ کہے ہیں کہ دنیا یہ اتنی نہیں ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کہ ہم ہی نہیں ہیں وہاں اور بھی ہے ہماری ہر ایک بات ہوتی وہی ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے کہیں بھی وہ عالم ہے فاضل ہے بولے صحیح ہی مگر فلسفائے بگڑ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ عالم یہ کہتا وہ ایشور ہے فاضل یہ کہتا وہ اللہ ہے قابل یہ کہتا وہ عیسیٰ ہے تو منزل یہ کہتی تب انسان سے کہ تمہاری ہے تم ہی سنبھالو یہ دنیا یہ بجھتے ہوئے چند باسی چراغوں تمہارے کالے ارادوں کی دنیا اور دنیا اور دنیا रैपिड फायर खेले सर के साथ आप लोग बोलोगे तब तो सर आप क्या जा अबे हो तो गया मेरे से रैपिड फायर चला और कितना जानोगे मेरे बारे में यार अरे सर जानना नहीं है ना चलो चलो बोलो 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 बकवास करनी सर मौत क्या है आओ सामने आओ मौत क्या है सर हैं मौत क्या है यार इतने भारी भारी सवाल सर दोस्ती क्या है अरे ये भी नहीं मालूम मुझे यार क्या है दोस्ती गुलाल अब मेरे ख्याल से नहीं मैं भी एक्चुअली थक जाता हूँ मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ बहुत जल्दी तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके वो जो दिव्या के टाइम में लेट आया था वो सेशन वो भी हो जाए मतलब पूछो यार जो सवाल पूछने पूछो जो भी तुम्हारे मन में है जब हम पूछ लेते हैं टीम से पूछो आप एक साथ सबने ये देना जरा माइक देना बच्चों को अरे कोई देना जरा माइक दे रहे सर हाँ वैसे ही पूछना यार सच बोलना कितना मुश्किल है सवाल आप लोग संभल के पूछे वरना डांट के साथ मार भी पड़ सकती है सही बात मंजूर है सर हाँ नहीं सही बात है सच बोलना सच यार एक्चुअली पंगा बैठ जा बेटा बैठ जा होता क्या है कि जो जिंदगी में आप देखिए आप जो झूठ बोल लेंगे सामने वाले बंदे से है ना मैं बड़ा मैं ऑब्वियसली आपके मिस में कोई मैं वो ह्यूमिलिटी नहीं बरतूंगा कि मैं बड़ा आर्टिस्ट था बड़ी आर्टिस्ट था बहुत बहुत काम करता था लेकिन उस वक्त जो है आपके मतलब मुझे पता नहीं क्यों इतना काम करने के बावजूद रात को नींद नहीं आती थी रात को डिस्टर्बेंस होता था मुझे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मगरूर आदमी था अपने आप पर कि बॉस मैं पीयूष मिश्रा हूँ और जब से मैंने मुझे इंसाइट मिली किसी और चीज़ ने इंसाइट दी मुझे जब से 2010 में
एक तो विपश्यना का बहुत बड़ा हाथ रहा. विपश्यना मैं बहुत बार बार बोलता हूँ, विपश्यना इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी यंगस्टर्स लाइफ. जाओ बॉस जाओ, 10 दिन का कैंप होता है, जिंदगी बदल जाएगी. अगर किसी को समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर उसको घर पर ले आए, मंत्र नहीं है कोई, अगर आप में से एक को भी समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और ये समझना बड़ा मुश्किल नहीं है, तो जिंदगी बदल जाएगी. मतलब इतना काम करते हो तो इतना काम करोगे. तो उसने हर चीज़ चेंज कर दी मेरी जिंदगी में. तो मुझे लगा कि यार मैं इतना बदतमीज हूँ, इतना जंगली हूँ, इतना बर्बर हूँ, मैं एक बार क्या एक्सेप्ट करके देखता हूँ, सामने वालों को एक्सेप्ट करके देखता हूँ. मुझे भी कभी अपनी गंदगी के साथ में एक्सेप्ट किया गया, तो मैंने एक्सेप्ट करके देखा, मालूम पड़ा कि इतनी गहरी नींद आने लगी. हर बंदे को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. कैसे कि यार एक बार की तकलीफ होगी, लेकिन बोल दो जो गंदगी है बोल दो. शुरू शुरू में परेशानी होती थी, करते 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 आदत डालने की कोशिश करी, आदत पड़ गई. उसके बाद में सच बोलने की आदत पड़ गई. बोलता था सामने वाले को, उस पल बहुत ख़राब लगता था कि तेरे से दोस्ती गई आज के बाद में बात नहीं करेंगे. लेकिन रात को घर जाके सोचता था, एक दिन दो दिन एक सप्ताह एक महीने बाद आकर बोलता था कि यार तूने बात उसे गई थी, बात उसे की थी. करते करते क्लीननेस धीमे 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 आपके मतलब बर्फ जो थी वो झड़ने लगी. और ये आजमा कर देखना, आपने कभी किसी के प्रति गलती की होगी यार इस वक्त, तो मतलब हर बंदा ऐसी उम्र बैठा हुआ, बच्चा नहीं कोई, गलती करके आता है. 50 किस्म की चीज़ें होती हैं जो हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं, चोर दरवाजे होते हैं, हम किसी को बताना नहीं चाहते. एक बार हिम्मत करके साइकियाट्रिस्ट को, चर्च का पादरी हो, प्रीस्ट हो, जाकर बोलना. बोलने के साथ बड़ा ख़राब लगेगा, यार मैंने जो बातें अपने आप से बचाना चाह रहा था मैं, वो बातें आज किसी और को मालूम पड़ गई. उसके बाद में एक अटैम्प्ट और करना, जिस बंदे के प्रति आपने गलती की हो, एक बार की जाकर उससे बोलना कि यार बॉस मुझसे गलती हो गई थी, आई एम सॉरी. 10 में से 9 केसेस में तो बोल देगा कि मुझे याद भी नहीं है तो कौन सी बातें कर रहा था, कौन सी गलती की बातें कर रहा था, है ना. उसके बाद देखना वो गिल्ट जो आएगा आपके अंदर कि यार मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि अपने पापों को एक्सेप्ट कर लिया किसी के सामने. उसके बाद में जो शांति मिलनी शुरू होती है, और ये होता है धीमे धीमे, एक बार की करके देखना. मतलब ये जो सत्व है, या कहते हैं ना कि आपके मैं सत्व हो गया, मुक्त हो गया, उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है. मुक्त की शुरुआत ऐसी होती है. एक बार की करके देखो धीमे धीमे सारा बोझ उठने लगता है साला. मेरी मैं वो शराब का है मेरा सीन आपके मतलब सबको मालूम है उसके बारे में. और छुपाता भी नहीं, जवान लोगों से छुपाता भी नहीं कि यार बॉस बड़ी गंदी चीज़ है, इसको ज़रा संभल के पीना, बहुत दुख देगी. अगर अल्कोहलिक हो गए तो बहुत दुख देगी. मैं इसको दे ज़रा वो अल्कोहलिज्म पर सुना है आपने जो मैं लिखा है, हाँ ये था अल्कोहलिज्म. आदत जिसको समझे हो वो मर्द, आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा. ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर नज्म है ये. आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, बीमारी बन जाएगा कभी. आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी. आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे. अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ. जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं दो पल का था. जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं दो पल का था, फिर पता नहीं कब दो पल का वो 7 सदी में बदल गया. हम चुप बैठ के सुन्न गुजरते लम्हे को ना समझ सके, वो कब भीगी उन पलकों की उस सुर्ख नमी में बदल गई. और नींद न जाने कहाँ गई उन सहमी सुकड़ी रातों में, हम सन्नाटे को चीर राख से भरा अंधेरा तकते थे. फिर सिहर सिहर फिर कांप कांप के थाम के ले जा हाथों में, जिसको न वापस आना था वो गया सवेरा तकते थे. जिसको समझे हो तुम मजाक वो दर्द कभी बन जाएगा, फिर दर्द की आदत पड़ जाएगी. अर्ज ना कुछ कर पाओगे. अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ. और कट फट के हम बिखर चुके थे जब तुम आए थे भाई, और सभी रास्ते गुजर चुके थे जब तुम आए थे भाई. वो दौर ना तुमने देखा था, वो किस्से ना सुन पाए थे, जिस दौर की आंधी काली थी, जिस दौर के काले साए थे. उस दौर नशे में जेहन था, उस दौर नशे में ये मन था, उस दौर पेशानी गीली थी, उस दौर पसीने में तन था. उस दौर में सपने डर लाते, उस दौर दोपहरी सन्नाटा, उस दौर सभी कुछ था भाई, और सच बोले कुछ भी ना था. ये नर्म सुलीला नगमा कड़वी तरस कभी बन जाए, फिर तरस की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे.
अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। उस दौर के पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी शराब के पहले, उस दौर के पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी, वो दौर बड़ा पुरजोर रहा जब साथ बंदगी रहती थी, जब साथ कह कहूं कहा होता, जब बात लतीफों की होती और शाम महकते ख्वाबों की और रात हसीनों की होती, जब कहे नाजनी बोलो साजन कौन पहर को आऊं मैं, और हुस्न कहे कि तू मेरा और तेरा ही हो जाऊं, बस मैं पागल ना समझ सका किस और तरफ को जाना है, बस जाम ने खींचा बोतल इतराई कि तुझको आना है, मैं खाने की ओर चला ये भूल के पीछे क्या होता, एक नन्ना बचपन सुन हिचकियां अटक अटक के जा रोता, बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है, मैं खाने की ओर चला ये भूल के पीछे क्या होता, एक नन्ना बचपन सुन हिचकियां अटक अटक के जा रोता, एक भरी जवानी कसक मार के चुप चुप बैठी रहती है और खामोशी से खा लेना कुछ नम आँखों से कहती है, उन सहमी सिसकी रातों को मैं कभी नहीं ना समझ सका, उन पल्लू ठूसी फपक फपकती बातों में नटक सका, ये कभी कभार का काम अटूटा फर्ज कभी बन जाएगा, फिर फर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे, अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। इसका आखिरी स्टैंजा है कि वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था, वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था, उन जले पुलों की क्या बोलूं जो जला जला के आया था, वो बोले थे कि देखो इसको जर्द सर्द इंसान है ये, एक जिंदा दिल तबीयत में बैठा मुर्दा दिल हैवान ही ये, मैं शर्मसार तो क्या होता, मैं शर्म जला के आया था, उस सुर्ख जाम को सुर्ख लार में लहरा करके आया था, मैं आँख की लाली साथ लहू मदहोश कहीं पे रहता था, हुंखार चुटकुले तंज लतीफे बना बना के कहता था, ये दर्द को सहने का झूठा हमदर्द कभी बन जाएगा, हमदर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे, अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओगे, यार बड़े पछताओ। लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे, कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे, लिखता हूं खत में हिंदोस्तां से पहलू है हुस्ना में पहुंचे, हुस्ना कि मैं तो हूं बैठा ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया, पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी बोले, होता उजाला हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी बोले, क्यों हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तां में रहती हो नन्ही कबूतर सी हूं तुम जहां उसना, के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते यहां उसना, होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में, हाँ वो हीरो के रांझों के नगमे मुझको अब तक ना आके सताए, वो बुल्ले शाह की तकरीरों के झीने झीने साए, उम्मीद की दी लंबी नमाजें सेवइयों की झालर,
वो दीवाली के दिए संग में बैसाखी के बादल कि होली की वो लकड़ी जिनमें संग संग आंच लगाई लोड़ी का वो धुआं जिसमें धड़कन है सुलगाई कि वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो लोड़ी का धुआं क्या भी निकलता है जैसा निकलता था उस दौर में हाँ वहां हुस्ना के हीरो के राजों के नगमे क्या अब भी सुने जाते हैं हाँ वहां और रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान ओ आखिरी सवाल ले लेते हैं आपकी पर्सनालिटी एकदम मस्त मौल है और फिर भी आपके शब्द जो है वो इतना सीरियसनेस अपने अंदर दबाए रहते हैं और इतना वेटेज रहता है उनके अंदर ऐसा कैसे जादू है जादू मुझे तो लग रहा था मेरे से सवाल पूछा है आपने मैं डर गया था अच्छे बनो Sir. बहुत बढ़िया बनो बहुत बढ़िया बनो यार तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं बहुत अच्छे बनो बहुत अच्छे बी द बेस्ट इन योर प्रोफेशन जो कुछ बनना चाहो ना बी द बेस्ट ये मत सुनो वो कई बार पापा बोलते हैं कई बार मम्मी बोलती हैं कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कई बार फ्रेंड फिलोसोफर गाइड्स बोलते हैं यहाँ के सुनो यार यहाँ के सुनो मतलब बड़ा खतरनाक मोमेंट होगा जब यहाँ के सुनोगे मतलब बड़ी सारी परेशानी आएंगी ऐसी बात नहीं कि परेशानी मिट जाएंगी बड़ी परेशानी आएंगी लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड भी बहुत देर में मिलेंगे रिवॉर्ड बहुत देर में मिलेगा इतनी जल्दी नहीं मिलता लेकिन आपने चुना है ना तो फिसले तो हम फिसलेंगे और बढ़े तो हम बढ़ेंगे ये कम से कम दिलास रहेगी दिल बहुत 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 तगड़ा तरीके से आपके मतलब बी द बेस्ट मैं तो यही मैं कहीं नहीं जा रहा मैं अभी मेरी जिंदगी में कम से कम 20 साल बाकी हैं मृत्यु के तो मैं तो तुम्हारे बच्चों के टाइम पर उनसे भी ऐसे ही मिलूंगा मैं मुझे कोई टेंशन नहीं बोलना डालेंगे जिंदगी को अपने लफ्जों में बता दीजिए जिस तरीके से आप करते हैं बोलते हैं तो हम उससे क्या सीखें क्या बेटा क्या जिंदगी है क्या एक्चुअली मतलब हाँ। देखो आपके मतलब मैं बहुत बिलीव करता हूँ पुनर्जन्म में कि मैं जिस जिंदगी से मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उसके पहले भी लाइफ थी और जहाँ मरूंगा उसके बाद भी लाइफ होगी लेकिन अभी खाली हाइपोथेसिस है वो मैंने देखी नहीं है जिंदगी आने वाली जिंदगी कैसी है अगला जन्म कैसा है अभी मैं इस जिंदगी की बात करता हूँ इस जिंदगी में ऐसे कोई काम करना यार 45 साल के बाद में अगर आपको एहसास हुआ कि यार हम बनना ये चाहते थे और बनिए गए बनना चाहता था पेंटर और बन गया इंजीनियर कैसे हो सकता है यार बनना चाहता था एक्टर बन गया के मतलब डॉक्टर चीर फाड़ रहा हूँ लेकिन मुझे मजा ही नहीं आ रहा उसमें तो उस वक्त बड़ी परेशानी होगी मैंने बंदों को 45-50 साल की उम्र में अपना प्रोफेशन छोड़ते देखा है कि हम गिटार बजाएंगे IT का बंदा है हस्बैंड वाइफ दोनों हम थिएटर कंपनी खोलेंगे क्यों क्योंकि हमने गलती कर दी 50 साल तक कमा लिया पैसा ठीक है मैंने भी आपके यही किया मैं इंडस्ट्री से पैसा कमाया मैंने 2003 में गया था मैं उसके बाद जब खूब तो नहीं कमाया मैंने ठीक ठाक पैसा कमा लिया है ना उसके बाद अब मुझे लगा कि फिर भी चैन नहीं मिल रहा अगेन आई थॉट कि आपके आई शुड गो बैक टू माई रूट्स एंड माई रूट्स वेयर थिएटर था और थिएटर करना शुरू किया अब मैं इतना खुश हूँ बैंड बनाया पोएट्री लिखी ये सब काम मैं अपने आप के लिए करता हूँ तो अपने आप के लिए कुछ काम करना सीखो भले कुछ भी करो लेकिन अपने आप के लिए समय बचा कर रखो ना अपने आप के लिए तो कुछ काम करना है सब हर चीज़ से पेरेंट्स के लिए करनी है हर चीज़ गर्लफ्रेंड के लिए करनी है हर चीज़ सारा फ्रेंड फिलोसोफर गाइड के लिए करनी अपने आप के लिए भी कुछ करना है ना अपने आप के लिए कुछ करना है तो अपने आप के लिए जो करना है वो बहुत ही चलो कुछ और काम कर लो नौकरी कर ली अपने आप के लिए जो करना है उसके लिए टाइम बचा कर रखो उसके बाद में अगर फिसलोगे तो मजा कोई वो नहीं कर पाएगा कि जो है तुम बोलोगे हमने तय किया था हमको तो फिसल गए और बनोगे तो बॉस जब मैं था 1981-82 में जब मैं कॉलेज में था तब सब लोग क्या यार तू क्या करता है साला भांडगिरी के काम
गाता रहता है, ये करता है, वो करता है ना, बाकी लगा उन्हें कि आपके हद से कोई कितना बढ़ जाएगा, पीयूष मिश्रा हमारे हमारे टाइम का बंदा, हमारा देखा वाला बंदा है, कितना बढ़ जाएगा आगे, कितना बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों में अधिकतर लोग डॉक्टर्स बने और या फिर जो है फौज में गए। आज की तारीख में मैं पूछता हूँ उनसे कि हाँ भाई क्या क्या हाल तेरे, तो वो बोलते हैं कि मैं क्या 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 चल रहा है, तो बुर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहते हैं यार बुरी तरीके से, मैं इतना कोठी तन गई है, कोठी तन गई है, लंबी चौड़ी कोठी तन गई, लंबी चौड़ी कोठी, बैंक बैलेंस भयंकर है, लगातार कहीं यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। कहने लगे आपके मतलब वो सुख नहीं है यार, मतलब वो दारू की दो पैक बजाते हैं मेरे को, वरना वही साला काटा पीटी चीरा फाड़ी है वो करके मैं थक चुका हूँ, और मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ तेरे पास में, तू आपके इसको जो जो चाहती वो कर इसका। मैंने बेटा चला, बच्ची बनना चाहती थी थिएटर आर्टिस्ट, मैंने कहा गुड यार बहुत बढ़िया, मैंने कहा मैं रिग्रेट करता हूँ यार, अपनी बच्ची को जो वो चाहती वो बनाऊँगा। तो ये है आपके मतलब सुख मिलेगा लेकिन वो थोड़ा लेट मिलेगा, बस ये ध्यान रखना जल्दी नहीं मिलेगा, और उसमें बड़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन जब मिलेगा तो फिर उसका मजा जो है बॉस मैं क्या बतलाऊं तुम्हें, खुदा कसम खा रहा है तुम्हारी। चलो इनकलाब जिंदाबाद, मिलते हैं।